यो यो डीजे इन द हाउस, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या जरूरत है रे? अरे इसी की तो जरूरत है, आप अपनी घड़ी देखो और मतलब घर जाके देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। मैं बाबा का लेके जाऊंगा, यही करने के लिए भी ले रहा हूँ और वैसे मेरे को स्पीकर चाहिए था इसलिए ले रहा हूँ। अब मुझे डर भी लग रहा है और मतलब खुशी भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रहा है। रगड़ेंगे फर्श में, जैसे यहाँ पे गाना सुनना था ना, चीगी चीगी। तो गाइस अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा ना कि पिछले व्लॉग क्या वैसे तो मैंने भी सोचे थे कि पार्ट टू बनाऊंगा, बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा मेरा। और अभी हम लोग घर पहुंच गए, अब जाते हैं इसको लेके इतनी बड़ी चीज को, और इसके लिए अकेला तो मैं लेके जा पाऊंगा, गौतम को बुलाऊंगा मैं और फिर चलते हैं अंदर देखते क्या करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 11 हो गए, मेरे को लग रहा है मैं बाबा सो भी गए होंगे शायद। तो अभी गौतम भैया जा रहे हैं बाहर सामान लेने के लिए, तो मेरे को ना अभी खुशी भी हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है, मतलब दोनों एक साथ है। ओ भाई उस्ताद आ जल्दी आ जल्दी जल्दी जा रहा है सारा। क्या है ये? क्या है? मम्मी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बोलोगे कुछ? यो यो डीजे इन द हाउस। अब यो यो डीजे की चाहिए? तो भाई डीजे लेके आ, साउंड जो होता है साउंड सिस्टम, तो साउंड सिस्टम आ चुका है घर पे। पापा भी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि एक साउंड सिस्टम होना चाहिए घर, है ना भाई? बोला था ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। आप ही तो कह रहे थे कि एक साउंड सिस्टम होना चाहिए, डांस डूस करने का मन करता है कभी तो हम कर लिया करेंगे। मन करता है देते। क्या यार तुम लोग सही बैठे हो, पैसा जो है ना ऐसे बहा देते हो, ऐसे बहा देते हो बस। अरे पापा एक बात बताओ, पैसा ऐसे बहा देते हो, अब चीज तो जुड़ गई ना, ये चीज हमारे पास जुड़ गई है, क्या कर रहा है इसको? नाचोगे ना? डांस नहीं करोगे? कभी कोई कुछ पार्टी पुटी होती है, डीजे एंजॉय, अब तो डांस करने का टाइम है, त्योहार त्योहार आने वाला है। ये पता कितने का है? कितने का? पापे आप बताओ कितने का, गैस करो, गैस करो कितने का होगा? कम नहीं होगा। कितने का बताओ? फ्री से कम नहीं होगा। कितने का हो? अपने जवान से बताओ ना। वही से उससे कम नहीं होगा। आप बताओ मम्मी। 10-12 हजार का। मम्मी कह रहे 10-12 हजार का, 8 हजार का सिर्फ माइक ही है। पापा ने पूरा सही गैस किया। पापा को पता है ना कितने मंगल लिए क्यों? देख पाप मम्मी मैं बात सुनो, पापा कितने एक्साइटेड, देखो पापा खोल रहे ना, देखो आ गया। तो अब क्या करें, ये इनका दिमाग, अगर हम ना करने पर इन्हों करना क्या, अगर पूछ के रहते तो हम मना कर देते, अब ले आते तो वापस करना नहीं। सब समझते हैं, हाँ पापा को सब पता है, पापा सब चीज समझते भी हैं। अब इसके बाद सुनते हैं और मस्त एकदम डांस करते हैं डीजे वाला। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है धनतेरस, तो आप लोगों को हमारी सबकी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। तो कल रात को ये इतना ज्यादा खुश थे तो कोई कहेगा ये अभी बीमार होके सोए हैं, ये देखो कल रात को कैसे नाच रहे थे और अभी देखो। तो अभी डॉक्टर को बुलाया था, वो इंजेक्शन लगा के गए, पता नहीं क्या हो रहा है। कल रात को इतने डांस डांस कर रहे थे और रात को इनने खा दिए थे चीले जो हमने सुबह बनाए थे माड़े, तो वो रात को भी वही खाए इनने, मतलब रात को फिर से बनाए थे माड़े, तो रात को पेट भर के खा लिए एकदम घी वाले और वो पचे नहीं, तो इनको अब उल्टी हो जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी डॉक्टर को बुलाया था, दवाई देके गए, वो अभी ठीक है, थोड़ा सोए हैं, अभी उल्टी नहीं कर रहे। कल रात को कितना नाच रहे थे, कितना खुश हो रहे थे, नजर भी लग गई शायद। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, तो हम घर वालों की भी नजर लग जाती है। और बाहर का मौसम इतना ठंडा हुआ है ना, बारिश हुई थी, बारिश आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, तो ये देखो हम कहते ठंड नहीं हो रही है, देखो तो अब ना एकदम से ठंड पड़ने वाली है। और आज तो हो ही रही है ठंड, बारिश भी हो रही है, अब शायद धूप आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, इस वजह से भी सबकी तबीयत खराब हो रही है, सबको ऐसा ही हो रहा है, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, तो ये सब हो रहा है। आप लोग भी ध्यान दो, और हम लोग तो दे ही रहे, डॉक्टर बार बार बुलाना पड़ ही रहा है हमने भी। स्पाइकी देख रही हूँ मैं, किधर जा रही है तू, जल्दी आ जा वापस, ये ले आ जा, ये अंता बुआ तेरे लिए रोटी लाई है, जल्दी आ जल्दी, ये देख देख घी वाली रोटी, जल्दी आ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चल गेट बंद कर रहे हैं हम, माता नहीं 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 आना, नहीं आना। कहा था ना इसको हम धमकी देते हैं ना, गेट बंद ही कर देंगे, तेरे को बाहर कर देंगे, तो जल्दी से आ जाती है दौड़ के।
तो गाइस अभी तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक है बिल्कुल, और अभी मैंने दवाई खाई, थोड़ा तबीयत मेरी सही लग रही है, और मुझे पता नहीं पेट में मेरे शायद गैस हो गई थी, मैंने बाहर कुछ खा लिया, बाहर का नहीं मतलब मैंने रात को खा लिया था तला हुआ ज्यादा, तो उस वजह से मेरी तबीयत तो कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। और अभी मैं जा रहा हूँ जिया को लेने के लिए, जिया की आज मतलब सिविल ड्रेस में गई है, विदाउट ड्रेस गई है, और जिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और उसको लेने जा रहा हूँ, देखते क्या होता है। उसमें थोड़ा सा फंक्शन भी था ना धनतेरस की वजह से, और उसके बाद फिर मैं जो मैं लेके आया आपको, मैं स्पीकर की मतलब रिव्यू देता हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी, क्या है कैसा, आपको सारे फीचर बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत मजा आया मेरे को तो, और अभी आपको आएगा मजा देखना वीडियो में आगे। तो यहाँ जिया भी आज की है, बेटा आप ड्रेस पहने क्यों नहीं गए स्कूल में? क्योंकि ना मैम कहती है कि कल ना सारे बच्चों ने ना स्कूल और ड्रेस नहीं न्यू ड्रेस पहन कर आना है। डैडी मेरे दोस्त कहते हैं कि जिया बहुत गंदी है। गंदी है बोला? ऐसा नहीं होता है बेटा, जो अच्छा होता है वो सबको अच्छा बोलता है, और जो गंदा होता है वो सबको गंदा बोलता है। जैसे आप अगर सबको बोलोगे ना आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, इसका मतलब आप अच्छे हो, ठीक है, और अगर कोई आपको बोलता है ना आप बहुत गंदे हो, इसका मतलब वो भी गंदा है, इसलिए आपको गंदा बोल रहा है। चलो फिर अब टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, ओके। देखो मेरा हाथ है। इसको ना मेकअप मेकअप करने का बहुत शौक है, प्रिया की मेकअप किट इसको मिल गई ना इतनी खुश हो जाती है ये बहुत ज्यादा, और प्रिया इसको बहुत डांटती भी है ये सब करने में। आज ना फंक्शन था स्कूल, मैंने फटाफट लिपस्टिक निकाली जो कलर जो मम्मा लगाती थी जिसमें अलग अलग लिपस्टिक थे, वो वाले मैंने लगा लिए। अच्छा यार मिट्टी क्या नहीं मिट्टी है अभी मुझे दिखाना है, देखो मिट गई है बेटा, देखो देख लो है कि नहीं है, देखो है ना, है तो है नहीं है ना, है नहीं देखो यहाँ पे किसी को भी दिख जाएगा देखो यहाँ पे लग गया कहाँ? देखा नहीं लगा चलो घर चलते हैं। और गाइस यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो गई, अरे बाप रे बाप रे कितनी तेज, हाँ उठा रहा अरे यार कैसे करूँ मैं अकेला। तो गाइस अभी कौन कहेगा कि इसमें 3 बज रहा है, देखो इतनी तेज बारिश हो रही है, ये 3 बजे का टाइम लग रहा है। तो भाई जब बारिश हो रही है सारे कपड़े नीचे रख रहे हैं, और अभी ना हम लोगों ने मार्केट में जाना है सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में जो जो है, जो मेरे को फीचर जो पता लगे हैं मेरे को, और वो सारे मैं आपको बताता हूं, और पहले म्यूजिक प्ले करता हूं। पावर का बटन वॉल्यूम, भाई इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा है मतलब सीरियसली बिल्कुल सही नाम है इसका, मिनी डीजे जो मैंने रखा है, एकदम डीजे वाला फील आता है पूरा, बेस इतनी खतरनाक है इसकी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को सुनने में। सबसे मेरे को बेस्ट पता क्या लगा, ये चीज इसमें पेन ड्राइव लगा लेते हैं, और पेन ड्राइव के भी इसमें दो दो फीचर्स हैं, एक इसमें यूएसबी इसमें डाल सकते हैं, एक इसमें डाल सकते हैं, और मतलब जैसे डीजे चलाते हैं इधर वाला कंट्रोल इधर होगा, इधर का इधर, और ये मिक्स करने के लिए सॉन्ग को पहले इस पे लगाते हैं। और इसकी लाइटिंग मैं अभी ऑफ कर देता हूं फिलहाल, वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इसमें ये है डीजे वाला फीचर जो स्क्रैचर होता है जैसे डीचू डीचू, ये वो चीज है। और अब म्यूजिक प्ले करते हैं डीजे स्टार लाइट चली गई, बारिश बहुत तेज हो रही, तूफान आ रहा, लाइट भी चली गई यार तेरी की। और अब हम लोग चलते हैं मार्केट, बहुत हो गया, आपको मैंने बता दिया क्या क्या फीचर्स है इसमें। और सबसे मतलब बेस्ट पार्ट मेरे को इसमें पता क्या लगा कि इसमें माइक अटैच होता है, माइक अटैच होने के बाद वॉइस कैंसिलेशन करके एक ऑप्शन है इसमें, उस पर क्लिक करो तो जो मतलब वोकल होती है ना, जैसे कोई सिंगर है कोई गाना गा रहा है कोई भी म्यूजिक है, उसकी जो वोकल है एकदम 10% डाउन हो जाती है, और सिर्फ म्यूजिक प्ले होता है, और हम लोग उसके साथ मतलब गा सकते हैं। बाहर मौसम कैसा होगा मतलब, दोपहर का टाइम है ये, दोपहर का अब तगड़ी वाली ठंड शुरू हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस अभी ना 5 बज रहा है और इतना अंधेरा हो गया ना, ऐसे लग रहा है कि रात के बज रहे हैं 7-8। आज तो गजब ही हो गया ना मौसम, आज से मतलब नया मौसम शुरू हो गया है। एक संकेत है, जैसे दिवाली जाएगी ना उसके बाद देखना एकदम से ठंड हो जाएगी। और अभी हम जिया और अनिता को भी लेके आए हैं साथ में, तो इनकी भी शॉपिंग करा देंगे। और हमारे साथ मम्मी नहीं आए, क्योंकि मम्मी इसलिए नहीं आए ना क्योंकि शाम का टाइम है और पूजा का भी है, आज धनतेरस है तो नहीं आ सकते मम्मी, शाम के टाइम पे ताला लगा के आना अच्छा नहीं रहता है ना, बोलते लक्ष्मी फिर वापस चली जाती है, तो इसलिए मम्मी ने बोला मैं घर पे रहती हूँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग सामान सामून लेके आओ, हमने बोला ठीक है। तो गाइस आज धनतेरस है ना, तो सबसे पहले सिक्का लेने तो बनता ही है, सिक्के भी ले लिए, और जिया के लिए छोटे छोटे कड़े भी ले लिए,
जिया भी खुशी जाएगी, वो भी हमारी छोटी लक्ष्मी है ना। अभी आए हैं हम कपड़े लेने के लिए, कुछ मिल नहीं रहे यार। और मेरा तो आजकल ऐसा होता है ना, कुछ साइज ही मतलब लेने का फायदा ही नहीं है। दो तीन महीने बाद फिर वो लूज पड़ जाएगा, तो तभी भी लेना है मेरे। वही मैं कह रहा हूँ, तब भी इसने लेना है, ये लेना है। तब तो है नहीं ना, तब हम ले लेते हैं। मैं अपने लिए ले लेती हूँ। कन्फ्यूज हो रही हूँ यार, हमारा तो कुछ मिला नहीं, जिया का मिल रहा है। और सभी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छा है देखो, और ये भी अच्छा है। जिया से पूछ लेना, जिया से पूछ, बता इनमें से कौन सा लेना है। अच्छा लग रहा है, बताना कौन सा लेना है बेटा। जिया जो बोलेगी वो दोनों बेटा, एक लेना है। कड़े भी नहीं बेटा, आज आपकी शॉपिंग हो रही है सारी। ऐसा लग रहा है जिया की शॉपिंग करने आए हम लोग। इनका सामान कोई मिल नहीं रहा और मुझे कुछ लेना है नहीं। हेलो गाइस, आज मैं दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ गाइस। आज ना मैं मम्मी और बुआ को हरा दूंगी। ये बड़ों का है कि छोटों का है? ये तो छोटे का है। तो मेरा भाई बहनेगा। तो मैंने भी ले लिया और जिया ने भी ले लिया। अब रह गए हैं दोनों भाई बहन, और घर में हमने सबके लिए ले लिया, अभी पापा के लिए भी लेना है। तो इन्होंने पूरी दुकान छटवा ली है, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ पसंद नहीं आया। और मुझे तो लगता है ये लोग लेने वाले, सिर्फ ये देखेंगे, सिर्फ देख के निकल जाएंगे। अब ऐसा करना, ज्यादा मत खोलो, ये लोग लेंगे नहीं। वो डर रहे हैं फोल्ड करने के लिए, पूरा फोल्ड कौन करेगा। मेरे को ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है। इसके साथ धोती है कि नहीं, है ना शरारा कंट्रास्ट की मैं दिखा देती हूं। तो अपने पसंद है ना, आपकी पसंद ये पूरा ऑल ओवर है ना। तो हमने तो सबने ले लिया, हमारा सबका हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं पापा के लेना घड़ी ले, क्योंकि पापा घड़ी पहने रहते हैं हमेशा, और पापा की घड़ी खराब हो गई है। तो मुझे कुछ यूज वाली चीज दे पापा को। तो यहाँ पे डू देख रहे हैं कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। किस सामने ये अच्छी लग रही है। हाँ बट पापा इतना बड़े वाला नहीं पहनते। हाँ पापा ना मतलब ना खाना खाते टाइम खोलते इसको, ना नहाते टाइम खोलते इसको, घड़ी पहन ही रहते ना सोते टाइम खोलते। पापा को वाटर प्रूफ वाली चाहिए। हाँ, ये वाटर प्रूफ है, और ये वाटर प्रूफ है, दो साल गारंटी भी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अच्छी वाली घड़ी लेके टाइटन की है। टाइटन की है। अच्छा तो यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी है डन। भाई मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगी यहाँ से। तो वैसे हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और अभी हम जाते हैं मम्मी पापा को जो हम गिफ्ट लेके आए सबके लिए, सबके लिए गिफ्ट देते हैं। मतलब सबके लिए नीरज है, गौतम रह गया ना, उनके लिए कल लेके आएंगे। और बाकी हाँ ले लिया उन लोगों ने, तो उन्होंने ले लिया तो वेस्ट क्यों करने पैसे, हम उनको दिवाली दे देंगे। अरे अच्छा, तो बस हम मम्मी पापा के लिए लेके आ गए। ठीक है, ये भी सही है। मतलब उन्होंने अपने लिए गिफ्ट तो ले लिए, खुद ही ले लिए, तो हम लोग उनको दिवाली दे देंगे। और मम्मी पापा को जो है वो लेके आए हैं, उनको देते हैं। चलो इस बार हम सोच रहे हैं ना, जो मम्मी पापा ने बोला हम वैसा करें, कि जरूरत की चीज देनी चाहिए, फालतू तो पैसा वेस्ट क्यों करते हो करके। तो हमने कहा सही है, जिसको जरूरत है वो देते हैं। अरे वाह, यहाँ पे पता नहीं कौन सा नेपाल नाटक चल रहा है। सीरियल, क्या बात है। आप देना अपने हाथ से, तू देना अपने हाथ से। हेलो भाई, एक सेकंड ही मतलब गेस नहीं कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, दे दिया बस सीधा, मतलब सीधा बता दिया। बंदा खोल के देखता है नहीं। हाँ। इसके सामने तो बोलना ही बेकार है। ये तो मैं सुना का है, इसमें तो मेरा कड़ा है। मेरी बुबा सही है, सही है, फिट है, बड़े सही है, लूज भी पड़ते हैं ना थोड़े। मम्मा पापा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मम्मी पापा। ये आपका दिवाली का गिफ्ट है, ठीक है। ये जिया का हो गया, एक इसका हो गया दादी का। थैंक यू मम्मा वाला, मम्मा का तो मैं क्यों पीछे आ गया। अभी आया नई चीज तो। अरे इसकी क्या जरूरत है। अरे इसी की तो जरूरत है, इसी की तो जरूरत है। आप अपनी घड़ी देखो, ये देखो, ये देखो, उसके सामने ये रखना, ये रखो। अब किसकी जरूरत है बताओ। कहूंगा तो फिर बोलेगा। बोलो चलो, आज बोल ही दो। चलो बोलो, क्या बोलोगे आप। सुन मेरी बात। हाँ सुनो। अच्छा तो जब नवा है तो नवा ही है, वो तो बात नहीं है, लेकिन बूढ़े के लिए तो ये ठीक है ना। हम इसलिए नहीं लाए कि आपको जरूरत नहीं है, है आपके पास पता है। तो एक होता है ना गिफ्ट, आपने बोला ना जैसे जरूरत की चीज देनी चाहिए, जो हमें ठीक लगा आज धनतेरस के दिन, ऐसे सब चीज देना चाहिए ना, तो हम वो चीज लेके आए। चलो धन्यवाद, तुम ऐसे ले आते रहो, आज ये लेकर आए हो, अगली बार और लेकर आना। हाँ तरक्की करो। इस बार चांदी का लाए हो, अगली बार सोने का लाना। अच्छी बात, खूब तरक्की करो। भगवान लक्ष्मी माता तुम्हारे हर चीज में बरकत करे, हर खुशी दे। अगर फैमिली खुश हो ना तो ऐसे बरकत हो जाती है। तो गाइस अभी सारे जो गिफ्ट वगैरह लेके आए थे वो सब दे दिया है, और प्रिया भी नीचे सो गई है। मैं थोड़ा ऊपर आया स्टूडियो में, थोड़ा काम था, और अभी हमारे पास आज की वीडियो यही थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस।
और जो हमारे चैनल पर नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं फटाफट से इस ब्लॉग के मतलब जो हमने एडिटिंग वगैरह करनी है उसका सारा तामझाम कर रहा हूँ, जो मैसेज डाला था उसमें डाटा डाल रहा हूँ। पता नहीं, एक तो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ इसका, इसमें फिंगरप्रिंट तो है मुझे पता फिंगरप्रिंट है, और यहाँ पासवर्ड भूल गया हूँ। और इतनी देर से मत्था मारे जा रहा हूँ पर याद ही नहीं आ रहा मेरे को। तो चलो मैं इसको देखता हूँ कब तक मेरे को याद आता है, उसके बाद फिर आपको मिल जाता नेक्स्ट ब्लॉग में।